श्री श्वाइन मस्तुभ्याम हर हर महादेव। कैसे हो दोस्तों? दोस्तों आज हम आपके लिए पौष शुक्ल पक्ष की काशी तिथि का एक विशेष उपाय लेकर आए हैं जो कि रोहिणी नक्षत्र में लंबे समय के बाद आ रही है, जिसमें शुक्र योग के साथ साथ ब्रह्म योग रहेगा। साथ साथ में इसी दिन सर्वार्थ सिद्धि योग के साथ साथ कुछ समय के लिए अमृत सिद्धि योग भी रहेगा, जो इस दिवस को बहुत ज़्यादा विशेष बना रहा है। तो आपने इस दिन को अपने हाथ से जाने नहीं देना है, एक विशेष उपाय अवश्य कर लेना है। हमारे चैनल पर रोज़ ही 3 से 4 उपाय डलते हैं, आप अपनी समस्या तो एक विशेष उपाय इस दिन अवश्य कर लीजिएगा ताकि आपके जीवन की समस्याओं का समाधान हो सके। आज इस वीडियो के माध्यम से हम जो आपके लिए उपाय लेकर आए हैं यह विशेषकर आपकी कामना पूर्ति का उपाय है। इस उपाय को करने से आपको विष्णु जी के साथ साथ महादेव की कृपा भी हासिल होगी। जो भी हरि और हर दोनों को प्रसन्न करना चाहता हो तो उनकी प्रसन्नता है, तो इस विशेष उपाय को अवश्य कर लीजिएगा। तो आइए इस उपाय को समझ लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दें, हमारे चैनल पर प्रदीप मिश्रा जी के उपाय बताए जाते हैं, जिनको हम एक एनिमेशन वीडियो तैयार करके आपको प्रैक्टिकली समझाएंगे किस प्रकार से आपने इस उपाय को करना है। तो वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सबसे जरूर कीजिएगा, जिनको इस वीडियो की जरूरत है वहाँ तक जरूर शेयर भी कर दीजिएगा ताकि उनके भी जीवन की समस्याओं का समाधान हो सके और आपकी भी। तो आइए बिना किस देरी के इस उपाय को समझते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको प्रदोष काल के समय का आपको चयन करना है, अर्थात सूर्यास्त के बाद ही आपने इस उपाय को करना है। आप चाहो तो प्रदोष काल में कर ले या आप सूर्यास्त के बाद कर ले। इस उपाय को करने के लिए आपको ले लेना है थोड़े से काले तिल, जिसको आपने 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। साथ में आपको 1 चुटकी हल्दी ले लेनी है। इसके साथ ही आपको 2 दीपक ले लेने हैं, जो कि माटी के ले लो या तो फिर आप आटे के ले लो। इसमें आपको गोल बातियां भर लेनी है और देसी घी के ये दीपक होने चाहिए। यदि घर में गाय का देसी घी हो तो सबसे उत्तम। केवल इन सामग्रियों से आपने इस उपाय को करना है। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपने शाम के समय में अपने घर के मंदिर में पहुंच जाना है। यदि घर में विष्णु जी का कोई मूर्ति हो, कोई कैलेंडर हो या फिर उनका कोई भी स्वरूप हो, जैसे कि लड्डू गोपाल हो, उनके स्वरूप भी आप इस उपाय को कर सकते हो। वहाँ पर सबसे पहले आपको 1 दीपक प्रज्वलित कर देना है और आपने ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 11 बार जाप करते हुए थोड़े से काले तिल आपने इस दीपक में डाल देने हैं और यह हल्दी भी आपने इसी के भीतर में डाल देनी है। यहाँ पर आपको अपना नाम और गोत्र, अपने जीवन की समस्या, अपनी कामना यहाँ पर आपको कह देनी है। उसके बाद आपके पास जो ये 1 दीपक और थोड़े से काले तिल है, इसे लेकर आपको पहुँच जाना है महादेव के पास मंदिर में और वहाँ पर आपको यह दीपक प्रज्वलित कर देना है। अब आपके पास जो काले तिल हैं, आपने अपने जीवन की समस्या नाम और गोत्र लेते हुए श्री श्वाइन मस्तुभ्यम मंत्र का 11 बार जाप करते हुए ये काले तिल आपने इस दीपक में डाल देनी है। याद रहे, यहाँ पर आपने वही समस्या कह देनी है जो आपने विष्णु जी के समक्ष में कही होगी। केवल इतना मात्र करने से दुर्लभ कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। जानकारी अच्छी लगने पर वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, कॉमेंट सेक्शन में हर हर महादेव और श्री श्वाइन मस्तुभ्यम लिखना नहीं भूलेगा। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए सुंदर सुंदर वीडियोज बनाने के लिए। श्री श्वाइन तो भी हम हर हर महादेव। मिलते हैं अगली वीडियो में।